अर्जुन बिजलानी ने जीता के मेडल, श्वेता तिवारी ने रोहित शेट्टी के जजमेंट पर उठाया सवाल। टीवी रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 शुरू होने के साथ ही जबरदस्त धमाल मचा रहा है। दर्शकों के बीच शो को लेकर जो क्रेज है वो और भी ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। पिछले सीजन्स के मुकाबले इस सीजन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला और खतरों के खिलाड़ी के इतिहास में पहली बार के मेडल की शुरुआत की गई है और अर्जुन बिजलानी खतरों के खिलाड़ी के वो सदस्य बने हैं जिन्होंने खतरों के खिलाड़ी के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। वो के मेडल जीतने वाले पहले कामयाब सदस्य बने हैं। दरअसल के मेडल की खासियत ये है कि वो जिसके पास भी होगा वो सदस्य अपने अपकमिंग एपिसोड में एक स्टंट करने से मना कर सकता है, वहीं अगर वो एलिमिनेशन वाले स्टंट में पहुंचता है तो वो एलिमिनेशन स्टंट को भी स्किप कर सकता है, लेकिन ये मौका उसके पास एक ही बार होगा। आपको बता दें कि कई सारे स्टंट और कई सारे कंटेस्टेंट्स के बीच के मेडल को लेकर मुकाबला हुआ और आखिरकार अर्जुन बिजलानी के मेडल पाने में सफल हुए। वहीं जब के मेडल को पाने के लिए फाइनल मुकाबला अर्जुन बिजलानी और विशाल आदित्य सिंह के बीच चल रहा था तब टाइम को लेकर एक कंफ्यूजन पैदा हो गई। दरअसल विशाल आदित्य सिंह ने ये स्टंट 20 मिनट 20 सेकंड में पूरा किया जबकि अर्जुन बिजलानी ने ये स्टंट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 20 मिनट लिए थे और टाइम के मुताबिक शो के होस्ट रोहित शेट्टी ने के मेडल का विजेता अर्जुन बिजलानी को घोषित किया। लेकिन शो के होस्ट रोहित शेट्टी के जजमेंट पर सवाल उठाते हुए शो की कंटेस्टेंट श्वेता तिवारी ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि विशाल आदित्य सिंह ने अर्जुन बिजलानी से कम वक्त लिया है। इसके बाद रोहित शेट्टी ने बताया कि हम टेक्निकल आधार पर फैसला लेते हैं, हम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते, विशाल आदित्य सिंह जीते या अर्जुन बिजलानी, इससे ना तो शो को और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है, इसलिए अपने मन से इस तरह की शंका निकाल दो क्योंकि यहाँ मुकाबला और जजमेंट दोनों फेयर होता है। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक ज़रूर पहुंचाएं।